अंकिता लोखंडे और विकी जैन टीवी की पॉपुलर जोड़ी हैं। दोनों को काफी रोमांटिक कपल माना जाता है, लेकिन बिग बॉस 17 में आने के बाद दोनों के रिश्तों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। शो में कई बार दोनों के बीच लड़ाई होती है। अब इसी बीच ईशा ने विकी को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि अंकिता से शादी को लेकर विकी का क्या मानना है। ईशा मनारा और सना रईस खान से बात करते हुए कहा, विकी भाई और मैं बहस कर रहे थे तो मैंने कहा कौन किस्मत और लाइफ पर भरोसा करता है। उन्होंने मुझसे कहा मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, तो मैंने कहा कि अंकिता दी से मिलना क्या है, फिर आपको बचपन से पता था कि आप अंकिता लोखंडे से शादी करोगे। वह बोले ये किस्मत नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने जब ये सुना तो हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुंबई आए और कुछ दोस्त बनाए और वही दोस्त अंकिता के भी दोस्त थे, तो ऐसे हम मिले जिसके बाद डेट किया और शादी की। इसी वजह से उन्होंने दोस्त बनाए जो उनके और अंकिता दी के दोस्त थे। ईशा की बात सुनकर मनारा ने कहा कि विकी सिर्फ एक सेलिब्रिटी पार्टनर चाहते थे तो उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग की। ईशा ने फिर कहा उन्होंने वही चीज औरी के साथ किया, वह उसका पूरा नाम भी नहीं जानते थे और तब भी उसके दोस्त बन गए थे। उनके लिए यहाँ सभी इन्वेस्टमेंट हैं। बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में अंकिता ने विकी के साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर बात की थी और कहा था कि दोनों ने पहले एक महीने तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी का प्लान बनाया, लेकिन एक महीने बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंकिता ने बताया था कि विकी को थोड़ा संदेह था कि वह शायद मुंबई में अपना घर ले पाएंगे या फिर नहीं। विकी के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।